हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिस्ट स्टॉक्स। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, इनफैक्ट अच्छा कर रहे होंगे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि देखिए, पिछले 4 दिनों के अंदर मैं कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं लेके आ पाया, एंड आई थिंक पिछले 1.5 साल के अंदर जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ये पहला ऐसा इंस्टेंस होगा जब इतना बड़ा गैप मुझे लेना पड़ा। लास्ट वीडियो मैंने 3 जनवरी 2022 को पोस्ट करी थी, उसके बाद में 4, 5, 6 और 7 चारों दिन में कोई वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया था। केवल 4 जनवरी को मैंने एक मैसेज अपने कम्युनिटी टैब पर आपके सामने शेयर किया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसी मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आज वीडियोस में नहीं डाल पाऊंगा। बट सिचुएशन थोड़ी सी और वर्स हो गई, एंड मेरी फैमिली मेंबर का जिनका एक्सीडेंट हुआ उनकी सर्जरी करानी पड़ी, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी चीजें प्रोलॉन्ग होती हुई चली गई। बट नाउ द कंडीशन इज क्वाइट स्टेबल एंड हम लोग घर पे वापस आ गए हैं, मतलब उनको हॉस्पिटल से लेके वापस आ गए हैं, एंड आई थिंक यहां से मैं अब आपके सामने वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो आई हाईली अपोलोजाइज कि मेरी वजह से आप लोगों को इतना इनकन्वीनियंस देखना पड़ा, फेस करना पड़ा। डेली हम लोग निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं, निफ्टी की वीडियो में बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं, बट वो सारी की सारी अपडेट्स पिछले 4 दिनों से मैं आपको नहीं देके आ पाया। और इसी बीच हमारे सामने वीकली एक्सपायरी भी निकली और 2 मेजर ऐसे अनाउंसमेंट भी हमारे सामने ग्लोबल मार्केट्स से होते हुए दिखाई दिए, जिसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आपको मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दिया है, नीचे इनफैक्ट एक जिटरनेस की तरफ। तो ऑल ओवर सिचुएशन थी। देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं आपके साथ में जो बियॉन्ड योर कंट्रोल निकल जाती हैं, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और उस कंडीशन में आपको फिर सरेंडर ही करना पड़ता है। ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे सामने थी, तो आई होप ये बात आप समझेंगे, एंड यहां से अब आपको कॉन्टिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। सब कुछ ठीक रहे और सभी के साथ ठीक रहे, इसी आशा के साथ में मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, आज है सैटरडे, मार्केट है क्लोज 8th of January 2022। आज निफ्टी की वीडियो तो हम लोग नहीं लेके आते क्योंकि निफ्टी की वीडियो आती है संडे टू थर्सडे, बट निफ्टी में पिछले 4 दिनों के अंदर क्या हुआ है उसके ऊपर हम ब्रीफ में डिस्कशन करने की करते हैं कोशिश, और वही मेजर इंपैक्ट होगा कि आने वाले टाइम में हम हमारे जो निफ्टी है वो किस तरीके से मूव कर सकता है, वहां से हम लोग उस चीज को कंक्लूड कर पाए। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर यानी कि फ्राइडे के दिन, कल के दिन आपको जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 17,812 के ऊपर, काफी अच्छी क्लोजिंग मिली है। देखिए यहां पर, और मार्केट के अंदर जिटरनेस तो उस दिन भी थी यानी कि कल के दिन भी थी, 0.40% के आसपास की आप तेजी इसको समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहां पर फैक्ट्स दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा न्यूज दिखाता हूं कि इस हफ्ते क्या मेजर रही है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एप्पल की, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से ऑलरेडी सबसे बड़ी थी और वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। एप्पल ने $3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल किया है। $3 ट्रिलियन का मतलब 3 लाख करोड़ डॉलर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाने वाली ये पहली कंपनी हो गई है दुनिया में। और ऐसा ही नहीं कि देखिए इसको इस चीज को करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगा हो, 2018 में इस कंपनी ने $1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल किया था, हिट द $1 ट्रिलियन मार्क। कब? 2018 अगस्त में, और उसके ठीक 3 साल बाद अब यहां पर $3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल किया है मंडे के दिन। ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी जो बेसिकली टैक गैजेट्स का काम करती है वो इस तरीके से उभर के आ रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा टैक्स सेवी हम लोग होते जा रहे हैं। हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी की, एंड मार्केट जो है, बिजनेस जो है, अब टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में हो तो जल्दी से जल्दी उस बिजनेस को टैक के साथ जोड़िए, टेक्नोलॉजी उसमें लेके आइए, चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस हो, तब वो लॉन्ग लास्टिंग रह पाएगा। एक ये बहुत बड़ा अपडेट था जो इस हफ्ते आता हुआ दिखाई दिया है। सेकेंड अपडेट देखिए क्या था, वो मैं आपको दिखाता हूं कि यूएस फेड ने बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन थमने का नाम नहीं ले रहा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से ऊपर निकल रहे हैं, 42 ईयर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। 42 साल पहले कभी ऐसी महंगाई थी जो अब वहां पर यूएस के अंदर देखने को मिल रही है इस कोविड की वजह से। इसीलिए उन्होंने ना ही केवल अपनी बॉन्ड टेपरिंग को तेज करने का फैसला लिया है, बल्कि अपना जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का फैसला लिया था कि वो बॉन्ड टेपरिंग जो बेसिकली कर रहे हैं उसको बिल्कुल जीरो पे लेके आएंगे, उसके बाद में वो इंक्रीज करने की सोचेंगे इंटरेस्ट रेट। बट यहां पर जो सिचुएशन है वो काफी कुछ अलग आती हुई दिखाई दे रही है।
वेंसडे को ही देखिए उन्होंने बहुत हॉकिश कमेंट यहां पर दिया है और क्लियरली कहा है कि एक वेरी टाइट जॉब मार्केट एंड अनअबेटेड इन्फ्लेशन माइट रिक्वायर द फेडरल रिजर्व टू रेज इंटरेस्ट रेट सूनर देन एक्सपेक्टेड एंड बिगिन रिड्यूसिंग इट्स ओवरऑल एसेट्स होल्डिंग एज अ सेकंड ब्रेक ऑन द इकॉनमी, यूएस सेंट्रल बैंक पॉलिसी मेकर्स सेड इन देयर मीटिंग लास्ट मंथ। ये देखिए क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है यहां पर कि अब यूएस के अंदर यूरोप के बाद में इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा वो चीज समझने के ब्रीफ में समझिए। देखिए जब आपको सेफर साइड आपके पैसे के ऊपर रिटर्न मिलने लगे तब आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में चाहे कितनी भी तेजी बनी हो चाहे कितना भी ज्यादा आपने पैसा कमाया हो लेकिन फिर भी एक रिस्क होता है कि मार्केट अगर गिरेगा तो आपका प्रॉफिट ही नहीं बल्कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वहां पर कम हो सकता है घट सकता है। वही चीज अगर सरकार के बॉन्ड्स में एफडीज के अंदर या और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जहां पर फिक्स एक इनकम आपको मिल रही हो सरकार की तरफ से तो लोग पसंद करते हैं कि स्टॉक मार्केट के बजाय आप उसके अंदर पैसा रखें। ठीक है हम लोग उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना स्टॉक मार्केट हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन फिर भी हमारी कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगी और एक रेगुलर यूनिफॉर्म पेस के साथ में आपके पास में रिटर्न्स भी आते रहेंगे। तो जब भी इकॉनमी के अंदर ऐसी खबर आती है कि सेंट्रल बैंक किसी कंट्री के बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है तब वहां पर आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जिटरनेस आती है और वही सिचुएशन यहां पर जैसे ही यहां पर यह अनाउंसमेंट आया तो ऑल टाइम हाई पर चलने वाला डॉ जॉन्स ऑल टाइम हाई पर चलने वाला S&P 500 बहुत जबरदस्त शार्प कट के साथ में देखने को मिले। काफी अच्छी गिरावट यहां पर पिछले हफ्ते हमें देखने को मिली है इसी न्यूज की वजह से। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं एक्चुअली में होता क्या है जब न्यूज मार्केट के अंदर आती है किसी इंस्टेंस की कि वो ऐसा होने वाला है तो वो न्यूज ज्यादा डैमेज करती है बजाय कि वो इंस्टेंस हो जाए। यानी कि अगर हमें पता है कि हाँ आने वाले टाइम में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस के अंदर अगर हमें ये चीज आज पता चल जाए कि वहां पर जो रूलिंग पार्टी है उनकी स्थिति खराब है और वहां पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है पावर चेंज हो सकता है तब उसका इंपैक्ट पहले ही आ जाता है रिजल्ट आने से पहले। यानी कि रिजल्ट बाद में आता है इंपैक्ट पहले आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन होती भी दिखाई दी। ये चीज तो सबको पता थी कि ठीक है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगी यूएस फेड तो उसका इंपैक्ट जो है एकदम से आया क्योंकि यूएस फेड ने कहा कि थोड़ा हम लोग जल्दी उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बेकाबू होता जा रहा है यूएस के अंदर। तो उसका इंपैक्ट निगेटिव साइड में स्टॉक मार्केट्स पर देखने को मिला बट लेटर ऑन उसके बाद में अगर आप थर्सडे का सेशन देखेंगे तो मार्केट ने काफी अच्छा रिकवर भी करा। नैस्डेक की जो हालत यहां पर दिख रही है फ्राइडे की दिख रही है लेकिन अगर इसके अलावा आप देखेंगे नैस्डेक की प्रीवियस डे की यानी कि थर्सडे की क्लोजिंग तो 3.34% का कट वहां पर देखने को मिला था। इतनी जबरदस्त गिरावट वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन अगर सिचुएशन आप देखें फ्राइडे को तो डॉ जॉन्स के अंदर फ्लैट क्लोजिंग है, S&P 500 के अंदर फ्लैट क्लोजिंग है, नैस्डेक के अंदर अभी भी 1% की क्लोजिंग है। यानी कि काफी हद तक वहां से इंप्रूव हो गई है सिचुएशंस। अदरवाइज तो यूएस मार्केट्स ने बहुत नेगेटिव वहां पर इंपैक्ट डाला था। इनफैक्ट अगर मैं यूएस मार्केट्स की बात ना करके यूरोपियन मार्केट्स की बात भी बताऊं तो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिला था उस न्यूज की बदौलत। तो ऑल ओवर मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है बहुत नेगेटिव हो गए थे अगर आप वेंसडे ऑनवर्ड्स की बात करेंगे बट जैसे फ्राइडे आया है थोड़े बहुत मार्केट संभले हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके हैं, मिक्स टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स की बात करूंगा तो वहां पर भी एक बार आपको मिक्स कामकाज होता हुआ ही दिखाई देगा। देखिए यहां पर अगर आप देखें निकाई यानी कि जापानीज मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। इसके बाद चाइना A50 की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट सी सिचुएशन है, ओनली 45 पॉइंट्स की तेजी है। हांगकांग की बात करें तो यहां पर जरूर लगभग 0.25% की तेजी है 420 पॉइंट के साथ में। बट आपको पता है कि देखिए हैंगसेंग की अगर हम बात करें तो वो आउट ऑफ द ट्रैक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ महीनों से। मतलब मार्केट जब बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं तो वहां पर तेजी होती है, जब ग्लोबल मार्केट्स के अंदर मंदी होती है तो वहां पर एक्चुअली में तेजी आ जाती है। तो चाइना एंड हांगकांग के मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा एक अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। बट हां ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट सिग्निफिकेंटली किसी न्यूज की वजह से डाउन जाते हैं या अप जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2-4% का इंपैक्ट इनके ऊपर भी आता है और इनके ऊपर जब इंपैक्ट आता है तो जाहिर सी बात है इंडियन मार्केट्स भी रिफ्लेक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑल ओवर हर मार्केट्स आपस में जुड़ा हुआ है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। तो ये ऑल ओवर सिचुएशन आपके सामने ग्लोबल मार्केट्स की आती है। अब मैं देखिए आपको लेके चल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि FIAs एंड DIAs का डेटा है। अब क्योंकि देखिए हमारे पास में हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो 3rd of January की बनाई थी, उसके बाद में कितने ट्रेडिंग सेशन आए हैं तकरीबन 5 ट्रेडिंग सेशन आए हैं, क्या कुछ रहा है वहां पर वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो एज यूजुअल जैसे 3rd of January को नए साल पर पहले ट्रेडिंग सेशन पर लगा था कि 900
3 करोड़ की बाइंग के साथ में शायद एफआईआईज अब यहां पर जो है एक अच्छा खासा यूटर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ऐसा हुआ भी क्योंकि 4 जनवरी को यहां पर 1300 करोड़ की खरीदारी करी एंड 5 जनवरी को भी यहां पर सरप्राइजिंगली तकरीबन 350 करोड़ की खरीदारी यहां पर एफआईआईज ने करी। तो ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से शूटअप होके 17,955 तक पहुंच गया था। बहुत ईजिली लग रहा था कि शायद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे आपको जो है 18,200 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट देखिए साथ में हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकली समझना कि जैसे जैसे हम लोग मार्केट्स में ऊपर की तरफ जा रहे थे यानी कि 150 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट तक की जिटरनेस मार्केट के अंदर डेली थी और साथ ही में मार्केट जो क्लोजिंग दे रहा था तकरीबन 100 से 200 पॉइंट के बीच में, बट इंडिया विक्स की जो वैल्यू थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। वो एक खतरे का कारण था कि मार्केट ऊपर तो जरूर जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है बट विक्स डाउन नहीं हो रहा, इसलिए बहुत ज्यादा डर था कि कहीं ये लेवल पर से मार्केट नीचे ना आ जाए। एंड एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही, जब 6 जनवरी 2022 को तकरीबन 2000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने करी, साथ ही में 800 करोड़ के आसपास की बाइंग तो करी डीआईआईज ने, लेकिन मार्केट ने सिंक करके दिखाया। रीजन मैंने आपको अभी बताया, फेड का हॉकिश कमेंट जिसकी वजह से यूएस मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट्स ने काफी ज्यादा गिरावट दिखाई थी। उस दिन 2000 करोड़ की यहां पर जो है बेसिकली बिक वाली एफआईआईज ने करी थी। बट लेटर ऑन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी न्यूज एक बार मार्केट के ऊपर बहुत बुरी तरीके से असर डालती है, बट जैसे जैसे मार्केट आगे की तरफ बढ़ता है उसका इंपैक्ट या तो निगेट हो जाता है या बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो वापस से अगले दिन क्या हुआ, 7 जनवरी यानी कल के दिन तकरीबन 500 करोड़ की खरीदारी यहां पर आती हुई दिखाई दी है। तो ऑल ओवर अगर ये पूरी डेटा आप देख रहे हैं पांचों दिन का, तो आप एक इमेजिनेशन तो जरूर लगा पा रहे हैं कि यहां पर एफआईआईज शायद अपने आप को एक यूटर्न दिलवा चुके हैं, नेट सेलर से नेट बायर्स बनते हुए अब वो दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर। हाँ, ये एक न्यूज बेसिस न्यूज ड्रिवन एक इंपैक्ट जरूर था जो शायद आने वाले टाइम में आपको ना दिखाई दे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डीआईएस की बात करें तो डीआईएस स्टिल 5 में से 4 दिन खरीदारी करते हुए दिखाई दिए और लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर केवल एक मामूली सी बिक वाली यहां पर करी है 115 करोड़ की, तो जो मेजर इंपैक्ट नहीं डालता। बट इस 2000 करोड़ की बिक वाली ने पूरी की पूरी इनकी 5 दिन की जो डेटा था उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट डाला है, क्योंकि आप देखिए मात्र 1,082 करोड़ की खरीदारी रह गई है एफआईआईज की तरफ, जबकि वहीं पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 3,300 की बाइंग यहां पर डीआईएस ने करी है अभी जस्ट 5 दिन के अंदर। ऑल ओवर ये सिनेरियो जो है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि मार्केट 18,000 अबव जाने के लिए तैयार है या फिर 18,000 से नीचे कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एफआईआईज एंड डीआईएस। अब मैं देखिए आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूं, चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ एक्चुअली में यहां पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक चीज तो हमारे सामने क्लियर हो गई थी कि अब जो मार्केट में ये पुल बैक आया था, इसने ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, पुल बैक जो है वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया था। और यहां पर देखिए काफी अच्छी तेजी भी दिखाई दी, अगर आप देखेंगे तकरीबन 17,200 के लेवल से एंड 17,950 के लेवल्स तक हम लोग गए हैं, तो बहुत अच्छी तेजी केवल 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में ही निफ्टी ने करके दिखाई। लेकिन अगर आप ऑन दी अदर हैंड सेम कंडीशन देखेंगे कि 17,950 के ऊपर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, तो यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली बनाने की कोशिश करता हूं इस लाइन को, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि देखिए यहां पर सिर्फ न्यूज की बेसिस पर ही बात है, अगर हम लोग इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करते विदाउट यूएस फेड की न्यूज, तो भी हमारे पास में कुछ ना कुछ जिटरनेस जरूर दिखाई देती। ये देखिए यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, ये देखिए एग्जैक्टली 17,960 के ऊपर ये लाइन आ रही है जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और फिर जो है यहां पर अगेन उसने रेजिस्टेंस का काम किया है। तो अगर ये 950 के आसपास यहां पर थोड़ी बहुत दिन और कंसोलिडेट होता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल हमें मेजर सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए। तो मेजर सपोर्ट कहां आ रहा है, ये है देखिए मेजर सपोर्ट, ये लेवल से मेजर सपोर्ट अगर ये ब्रेक होते हैं तब हमारे लिए एक थोड़ा सा खतरे की घंटी बनेगी कि निफ्टी वापस से नीचे जा सकता है, जो कि लेवल है 17,600 की। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर कि 17,600 के लेवल्स अगर नीचे की तरफ ब्रीच होते हैं इस बार, तो वापस से निफ्टी के अंदर बिकवाली हावी हो सकती है, अदरवाइज
17,600 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक वो उस रिवर्सल जोन में ही माना जाएगा जो उसने यहां के बाद में कंटिन्यू किया था जो 17,200 के ऊपर है। तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि थोड़ी बहुत जिटरनेस नीचे की तरफ आए मंडे के ट्रेडिंग सेशन वाले दिन, लेकिन उसके बाद अगर उसी कॉन्टिन्यूस वीक में 18,000 के लेवल क्रॉस हो जाते हैं तब अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम लोग बुलिश साउंड करते हुए दिखाई देंगे। तो ऑल ओवर आरएसआई की पोजिशन भी 60+ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहां पर ज्यादा चिंता की बात है, लेकिन क्योंकि डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर जो एक इनडिसाइसिवनेस यहां पर पैदा कर रही है कि इतने बड़े अपमूव के बाद में ये जो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है ये थोड़ी बहुत जिटरनेस जरूर ला सकती है। तो 17,600 के लेवल को चेक करते रहना है, उसके बाद ही कोई यहां पर आपको बेयरिश साइड के अंदर अपने मूव्स बनाने चाहिए। अनटिल अनलेस आप ज्यादा बेयरिश मत होइए, केवल अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए पुट खरीदिए या कॉल भेजिए, अदरवाइज तो सिचुएशन अभी नॉर्मली दिखाई दे रही है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब देखिए बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है। देखिए ये रेजिस्टेंस जो आ रहा है तकरीबन अगर आप देखेंगे 38,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जो यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्जैक्टली 38,400 के आसपास, एंड एक्जैक्टली इसने इन्हीं लेवल्स के आसपास आके एक रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करी है। 38,400 पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर ये निकलेगा तो ही ऊपर की ट्रैजेक्टरी आती हुई दिखाई देगी। यहां पर भी सेम सिचुएशन थी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो ये जो पुल बैक था ये रिवर्सल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब रिवर्सल में तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहां पर आकर ये थोड़ा सा अटका है। लेकिन अगर देखिए इस मूव को आप कंपेयर करेंगे निफ्टी के मूव से तो इस बार बैंक निफ्टी आपको बहुत प्रोमिनेंटली स्ट्रांग दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, और ये बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से ज्यादा अच्छे मूव्स दिखा सकता है। जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक के अंदर बाइंग आई है ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर, एक जो जिटरनेस थी उसको अगर आप छोड़ दें तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि देखिए जो निगेटिविटी थी मार्केट्स के अंदर बैंक निफ्टी को लेके वो क्रॉस करती है। और मेरे हिसाब से वो जो लेवल्स थे वो ये वाले लेवल्स थे, ये क्रॉस होने बहुत ज्यादा जरूरी थे। एंड ये देखिए जो लेवल्स हैं ये 37,000 के, तो 37,000 के जो लेवल्स हैं ये डिसाइसिवली क्रॉस हो चुके हैं, और जब तक ये नीचे की तरफ ना निकाल दे इनको वापस से बेरिश होने का कोई भी मूड यहां पर नहीं नजर आ रहा बैंक निफ्टी का। थोड़ी बहुत जिटरनेस जरूर हो सकती है क्योंकि देखिए कुछ ही दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो 34,000 को मैं बेस तो जरूर मान सकता हूं, लेकिन यहां पर जो कंसोलिडेशन के लेवल थे वो 35,000 के आसपास के थे। तो 35,000 के लेवल से और 38,400 ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स का गेन यहां पर मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो 5 ट्रेडिंग सेशंस में बैंक निफ्टी ने कवर किया है। तो थोड़ी बहुत जिटरनेस आए तो उससे घबराना नहीं है, बट बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ यहां पर गेन होती हुई दिखाई दे रही है, ये एक मेजर पार्ट है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स रिजल्ट्स हैं, इंफोसिस, टीसीएस और भी बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं जो मैंने एग्जैक्ट डेट में आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। हर एक वीडियो में मैं आपको किसी ना किसी स्टॉक की, उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक की मैं डेट आपको बताऊंगा कि किसका रिजल्ट अब आने वाला है। वहां पर एक बहुत स्ट्रांग एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, दो जो इवेंट्स इंडियन मार्केट्स के अंदर हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। पहला जो इवेंट है वो है आपका इलेक्शंस, एंड जो दूसरा इवेंट है वो है हमारे पास में बेसिकली बजट। इस दो इवेंट से पहले आपको मार्केट के अंदर एक भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि मार्केट 18,600 को क्रॉस करके नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद इलेक्शन से पहले जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक या डर मैं कह सकता हूं मार्केट्स नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आपको अपनी पोजीशन को इस तरीके से बनाना है कि 18,600 पर पहुंचने तक आपको पास में मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दे, और उसके बाद में आप बहुत कम क्वांटिटी के साथ में बहुत कम ट्रेड लेना, क्योंकि वहां पर सिचुएशन ऐसी होगी कि जिटरनेस मार्केट के अंदर ज्यादा आएगी, मार्केट के मूव्स कम होंगे। यानी एक दिन के अंदर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा, 200 पॉइंट नीचे भी आता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके के मूव्स जब आएंगे तो ट्रेडर्स के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास में जो इवेंट्स हैं उनका इंपैक्ट क्या होने वाला है और उस इंपैक्ट की वजह से स्टॉक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और जो दो मेन इंडाइसेस है अब कौन सा स्ट्रांग चल रहा है और कौन सा वीक चल रहा है, सो दैट कि आप मैक्सिमम जो ट्रेड है वो कन्विक्शन के साथ उस इंडेक्स के अंदर ले पाए जो ज्यादा स्ट्रांगनेस पोजेस कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये सिनेरियो आपके सामने आता हुआ अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक यहां पर हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब पिछले 4 से 5 दिन के अंदर जो मूव्स आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, एंड कल संडे को शाम को एज यूजुअल
हम लोग अपनी वीडियो लेके आएंगे निफ्टी टुमारो की, वहां पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल ओवर जो ग्लोबल सिनेरियोस के अंदर चीजें एक्सट्रैक्ट होके आ रही हैं न्यूज की वजह से, अब उसके इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर कैसा रह सकता है और कौन से स्टॉक्स होंगे प्रोमिनेंटली जहां पर आपको पोजिशंस बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखिए अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं कुछ ही देर में आपके साथ में फिर जुड़ूंगा एक नए वीडियो के साथ में, जहां पर हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो कहां तक के लेवल्स पर जा सकता है। तो रिज्यूम कर रहा हूं वापस से उन्हीं पेस के साथ में, उसी पेस के साथ में सारी वीडियोज को। तो फिर से बने रहिए ट्रेंड लाइन स्टॉक्स के साथ। आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट हैज बीन कॉज बिकॉज ऑफ मी, बट वो चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर थी जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।